एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवाल में अब हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ पैनल में छत्तीसगढ़ के राजस्व, युवा एवं खेल मंत्री टंकराम वर्मा जी हैं। टंकराम वर्मा जी, स्वागत करता हूं मैं आपका। जी, धन्यवाद। सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे यही पूछूंगा, रायपुर और छत्तीसगढ़ में खेल को और मजबूती से आगे बढ़ना चाहिए और राजनीति भी एक खेल है, तो आपने तो अपना खेल जीत लिया, लेकिन युवा कैसे खेल में आगे बढ़े, ये जिम्मा आपके पास है। अब देखिए, हमारी सरकार थी डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार, तो उस समय खेल प्रतिभाओं के ऊपर विशेष ध्यान रखा गया, उनको आगे बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए और शासकीय सेवा में भी उनके लिए आरक्षित किए गए थे। और जैसे ही हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2018 में गई, उसके बाद कांग्रेस सरकार आई, तो उन्होंने खेल प्रतिभा के ऊपर ध्यान नहीं दिया और साथ ही हमारे जो खेल के जो मैदान हैं या स्टेडियम है उनकी भी बुरी हालत हो गई है। अब फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के, विष्णु देसाई जी के निर्देशन पे फिर से हमने शुरुआत किया है। अलंकरण समारोह का 5 साल बीतने के बाद छठवां साल में, और इस समारोह से हमारे जो युवा प्रतिभागी हैं, हमारे जो खिलाड़ी हैं, उसमें उत्साह का संवर्धन हुआ है और हम तो चाहते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ की जो प्रतिभा है वो प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पे अच्छा प्रदर्शन करें, नाम रोशन करें। आपके पास खेल के साथ साथ युवा भी है, और जब युवा जुड़ जाता है तो पहला सवाल आता है रोजगार और शिक्षा का। शिक्षा का विभाग आपके पास नहीं है, लेकिन जब युवाओं से जुड़ा हुआ है तो बड़ा सीधा सवाल यह है कि यही युवा वोट करने जाएगा 7 तारीख को, आपकी तरफ से बृजमोहन अग्रवाल खड़े हुए हैं, तो आपने और आपके विभाग ने वो कौन से काम किए हैं कि युवा जब वोट दबाने जाएगा, वोट देने जाएगा, तो वो आपकी पार्टी के लिए होगा? देखिए, हमारी जो राज्य की सरकार है और केंद्र की सरकार है, युवाओं के लिए, युवाओं को रोजगार देने के लिए, रोजगार के साधन उपलब्ध कराने के लिए अनेक योजनाएं संचालित किया है, जैसे विश्वकर्मा, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, ऐसे अनेक योजनाएं हैं। और हम युवाओं के लिए केवल हम खेल नहीं, हमने उसमें एक शब्द और जोड़ा है कि खेल के साथ साथ समाज सेवा है, हमारी संस्कृति है, हमारी संस्कार है, हमारी नैतिक शिक्षा है, आध्यात्मिक शिक्षा है, इसको भी उसमें जोड़े हैं। और जो युवा इन सभी क्षेत्रों में आगे अच्छा काम करेगा उसके लिए एक नए पुरस्कार की घोषणा किए हैं, छत्तीसगढ़ युवा रत्न पुरस्कार, इस पुरस्कार से उसको सम्मानित किया जाएगा। एक टंकराम वर्मा जी, सवाल मेरा ये है, फिलहाल आर्थिक स्थिति छत्तीसगढ़ की कैसी है, आगे के इन 4 सालों की क्या योजना है? देखिए, हमारे अभी जो बीता हुआ सरकार का कार्यकाल है उसमें तो हमारे छत्तीसगढ़ की हालत बहुत ख़राब हो गई, और कहीं पे छत्तीसगढ़ में भी कोई नया काम, नया निर्माण दिखाने लायक, बताने लायक कुछ किए नहीं है। और हमारे सरकार आने के बाद फिर से विकास की रफ्तार की शुरुआत हो गई है, पर्याप्त बजट हैं, डबल इंजन की सरकार है, अभी चुनाव है सामने, चुनाव में भी ये तय है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे और ये डबल इंजन की सरकार रहेगी और छत्तीसगढ़ बहुत तेज़ी से विकास करेगा और देश के अग्रणी पंक्ति में हमारा छत्तीसगढ़ का नाम रहेगा। जब आपने डबल इंजन की सरकार की बात की तो लोग कहते हैं कि जितनी रफ्तार से ये रेल भाग रही है डबल इंजन की सरकार में, तो महंगाई भी उतनी तेज भागी जा रही है, तो उस पर कुछ ब्रेक लगेगा नहीं? देखिए, महंगाई उतना तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है जितना तेज़ी से विकास हमारे आर्थिक जो व्यवस्था है वो बढ़ रही है। हम 2014 के पहले की बात करें तो 11वें नंबर पे था, आज मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारा जो देश है 5वें नंबर पे है अर्थव्यवस्था के आधार पे, और अभी तीसरी बार जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो हमारा देश तीसरे स्थान पर आ जाएगी। अच्छा, एक टंकराम वर्मा जी सवाल पूछता हूँ, जो आपका विधानसभा है वो भी इसी लोकसभा के अंतर्गत आता है, तो बृजमोहन अग्रवाल जी वैसे तो विधानसभा के स्तर पर अजय योद्धा हैं, लगातार चुनाव लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं, तजुर्बा बहुत है उनको, कितनी बड़ी चुनौती है विकास उपाध्याय, एक नया युवा और कांग्रेस का भरोसेमंद और बड़ा नाम?
देखिए हम ये कहेंगे तो बड़ी बात नहीं होगी कि विकास उपाध्याय को अपने जमानत बचाने के लिए जूझना पड़ेगा, ये बड़ी बात नहीं है। माने जो रायपुर लोकसभा की स्थिति है वो कुछ ऐसे ही है। बृजमोहन अग्रवाल बहुत नामी आदमी है, जनाधार वाला नेता है और 35-40 साल से नेतृत्व कर रहे हैं, और केवल वो रायपुर के नेता नहीं है, पूरे छत्तीसगढ़ में उनका बढ़िया नेता है, बढ़िया नेता है। तो लोकसभा आप लड़वा रहे हैं उनसे, वो 8 बार से विधायक है, पहली लड़वा देते आप सर? हम कहा, ये तो पार्टी का निर्णय, पार्टी का आदेश है, और बहुत ज़्यादा वोट से एक रिकॉर्ड बनेगा। हम लोगों का प्रयास है कि प्रदेश में नहीं, देश में रिकॉर्ड बनना चाहिए रायपुर लोकसभा का। अभी बहुत वक्त नहीं हुआ है आपकी सरकार बने, अभी जब चुनाव हुए थे 23 में, तो जो इतना कम वक्त लगा, फिर आचार संहिता भी लग गई, तो इतना वक्त मिल पाया कि राज्य सरकार अपने काम दिखा सके ताकि लोकसभा में वोट मांग सके? देखिए बहुत बड़े काम को धरातल पर ले आए हैं मोदी जी के गारंटी में। सबसे बड़ा गारंटी था कि जो 2 साल के किसानों को बोनस का पैसा देना था। दूसरा बड़ा वादा किए थे कि महतारी, हमारे जो बहनें हैं उनको महतारी वंदन योजना के तहत 1,000 रुपये मिलना चाहिए। 70,24,000 हमारे बहनों को ये राशि मिल रही है, और किसानों के लिए बहुत बड़ी घोषणा थी कि 3100 रुपये का उनको धान का कीमत देना है। तो अभी जो डिफरेंस राशि दिए हैं, अंतर राशि दिए हैं, 1 एकड़ के पीछे 19,300 कुछ रुपये हैं, माने अगर आप ये कहें तो 20,000 रुपया भी मिला है, बहुत राशि मिला है। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास बनना है, उनके लिए भी हो गया है। तो बड़ी बड़ी जो घोषणाएं थी वो 3 महीने के अंदर बहुत कम समय में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर लिया है। तो अब जब चुनाव, ये चूंकि छत्तीसगढ़ का चुनाव नहीं हो रहा है, ये देश का चुनाव हो रहा है, छत्तीसगढ़ में जब किसान को 3100 रुपये धान का मिल सकता है, तो फिर देश के धान उगाने वाले किसानों को 3100 रुपये क्यों नहीं मिल सकता? अब देखिए हमारा जो छत्तीसगढ़ है धान का कटोरा, धान का कटोरा है, यहाँ तो हमारे तो ये तो ठीक है ना, बाहर थोड़ा थोड़ा धान होता है, पैसे देने में ज़रा पैसा खर्च नहीं होगा, आप तो राजस्व वाले हिसाब लगा ही लेंगे। हर प्रदेश की अपनी अलग नीति होती है, तो उसके हिसाब से हमारे यहाँ मांग थी, धान का ही खेती होता है और धान पे ही आश्रित हैं। तो मोदी जी ने बहुत बड़ा काम किया है हमारे छत्तीसगढ़ की सरकार ने, कि वाकई में किसानों के जीवन में खुशहाली आ गई, समृद्धि आ गई इससे। अच्छा एक सवाल और टंकराम वर्मा जी, छत्तीसगढ़ जब से बना तब से बाइपोलर सिस्टम रहा, या तो बीजेपी या कांग्रेस, कोई तीसरा दल इतनी मजबूती से सामने नहीं आया। अजीत जोगी जरूर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ लेके आए थे, लेकिन उसके बाद वो कोई 5 विधानसभा में जीते थे, फिर कोई दम उसमें दिखा भी नहीं। अभी वो कुछ सियासी बहुत मजबूत विरोधी आपके नजर भी नहीं आते हैं। इन चुनावों में भी आप मानते हैं कि मुकाबला सिर्फ और सिर्फ बीजेपी कांग्रेस के ही है, और कोई किसी के पास सीट नहीं जा रही किसी और पार्टी के पास? देखिए छत्तीसगढ़ में कोई तीसरा दल है ही नहीं। अजीत जोगी जी थे तो उस समय थोड़ा ताकत लगाए थे, तो 4-5 सीटें आ गई थी, और उनके जाने के बाद जोगी कांग्रेस भी मेरे को लगता है कि कहीं पे कुछ है नहीं है, केवल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच है, और कांग्रेस की भी हालत आप देख रहे हैं बहुत ख़राब हो रहा है। 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुआ तो उस वक्त राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, इस बार जब 24 में चुनाव हो रहा है तो 23 में आपकी सरकार बन गई है, और जब राज्य में सरकार पार्टी की होती है तो बहुत हद तक मदद मिलती है लोकसभा चुनाव लड़ने में। आपने विकास के काम किए होते हैं, उन विकास के कामों को आप बता सकते हैं, फिर जनता भी जानती है कि डबल इंजन की सरकार बन जाएगी, तो उसका फायदा मिलेगा आपको? फायदा जरूर मिलेगा। छत्तीसगढ़ में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में सरकार है, और दोनों सरकार की योजनाओं का भरपूर लाभ गाँव तक पहुँच रहा है, तो निश्चय ही पार्टी वो उसका फायदा मिलेगा पार्टी को। अच्छा जैसे नए लोगों को भाजपा मौका देती है, तो विकास उपाध्याय को भी तो कांग्रेस ने मौका दिया है, तो उन्हें भी तो समर्थन मिलेगा या नहीं मिलेगा? अब उनकी पार्टी की बात है, आप कह रहे जमानत जब्त हो जाएगी उनकी? नहीं, हम जो क्षेत्र तो कुछ तो उनका हौसला बढ़ा दीजिए, आप सीनियर हैं उनसे। हम जो है क्षेत्र के आकलन करके बता रहे हैं, और हमारे कार्यकर्ताओं में जो जज्बा है, जो जुनून है, हमने पूरे 9 विधानसभा सीट पड़ता है अपने रायपुर लोकसभा में, तो जहाँ भी जाते हैं कार्यकर्ता केवल यही कहते हैं कि इस बार उसका जमानत जब्त कराना है, और प्रदेश में नहीं देश में। कांग्रेस के कार्यकर्ता कहते हैं? नहीं नहीं, हमारे कार्यकर्ता बृजमोहन अग्रवाल को जिताने के लिए कि देश में एक रिकॉर्ड बनाना है, सबसे ज़्यादा वोट से जीतने वाला कोई लोकसभा का नाम आए तो रायपुर का आना चाहिए। तो बृजमोहन जी के नाम पर तो रिकॉर्ड भी है, विधानसभा में अच्छे खासे मार्जिन से जीतते हैं वो, अब वो लोकसभा में भी बनना चाहिए। एक सवाल मेरा और रहेगा आपसे टंकराम वर्मा जी, चुनाव दिल्ली के मुद्दों पर होना चाहिए रायपुर में, या रायपुर के मुद्दों पर होना चाहिए?
देखिए ये केंद्र का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, देश का चुनाव है, तो ज़्यादातर लोग देश के मुद्दों पे बात करते हैं, देश के बारे में सोचते हैं। अब नगर पालिका नगर निगम का चुनाव होता तो मेरे को लगता है कि नगर के बारे में सोचते लोग तो केवल मोदी जी के बारे में सोचते हैं कि। तो ये भाटापारा और बड़ौदा बाजार वाले लोग क्या क्या के भेजे हैं आपको कि बृजमोहन अग्रवाल जी जीत जाए तो क्या करवा देना आप उनके लिए? देखिए बृजमोहन अग्रवाल जी काफ़ी अनुभवी और काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं और विकास के काम बहुत कराए हैं और आगे भी कराएंगे, सबको पूरा भरोसा है, विश्वास है और उनकी लोकप्रियता भी है। तो कांग्रेस सिर्फ अकेली आपके सामने नहीं है, इस बार तो कई विपक्षी गठबंधन मिलके इंडिया गठबंधन बनके आपसे चुनाव लड़ रहे हैं, तो उसका कितना असर पड़ेगा? उसका असर नहीं पड़ेगा, पूरा देश समझ रहा है, पूरा देश की जनता समझ रही है कि इसको केवल मोदी जी को रोकने के लिए ये लोग सब इकट्ठा हो रहे हैं। ये आपस में ही उनका कोई एजेंडा नहीं है कि उनका कि देश के लिए क्या है, कुछ भी रीति और नीति नहीं है, केवल और केवल मोदी जी को रोकने के लिए लोग प्लानिंग कर रहे हैं। इस चीज़ को यहाँ की जो जनता है भली भांति समझती है। बहुत धन्यवाद करता हूँ मंत्री जी आपका, आप हमारे एनडीटीवी रक्षण कार्निवाल में आए, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए।